श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। हमेशा एक ऐसी जानकारी जो आपके जीवन को लाभ पहुंचाए। हम अब अपने नक्षत्र सीरीज में एंटर कर चुके हैं। किस नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति को कौन सा कार्य करना चाहिए, उस पर अब हम लोगों की चर्चाएं प्रारंभ हो गई हैं। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि हम आपको और नई नई जानकारी प्रदान कर पाएँ, आप तक पहुँचा पाएँ। तो हमने पिछले जो हमारी सीरीज रही है, भरणी और अश्विनी नक्षत्र की जानकारी हम अपलोड कर चुके हैं, आप उसको जा करके सर्च करके देख सकते हैं। आज हम जो बात करेंगे, जो कृतिका नक्षत्र के दर्शक हैं और कृतिका नक्षत्र के अंतर्गत कौन से कार्य को किया जाना चाहिए, इन सभी जानकारियों को आपको देने का प्रयास किया जाएगा। कृतिका नक्षत्र के अग्नि देवता, जो देवता है कहीं ना कहीं वो अग्नि देवता है और अग्नि से संबंधित कार्य ही आपके लिए लाभप्रद होता है। जो जातक जातिका कृतिका नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आपके लिए होटल मैनेजमेंट से संबंधित कार्य बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो कृतिका नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए सबसे फायदेमंद है। आप इस नक्षत्र की तरफ अपने आप को, इस प्रोफेशन की तरफ अपने आप को लेकर के जाइए, आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। अगर आपको घर में कोई हवन कराना है, पूजन कराना है, यज्ञ कराना है, तो भी ऐसे कंडीशन में आपको कृतिका नक्षत्र के अंदर करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। कृतिका नक्षत्र में जन्मे हुए जातक जातिका भी हवन पूजन करते हैं, अग्नि होम रोज करते हैं तो फायदेमंद होता है। जब भी आपके जीवन में कष्ट चल रहा हो, कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो गायत्री मंत्र से 108 आहुति डाल करके हवन कर लीजिए, आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो स्वतः दूर होना प्रारंभ हो जाते हैं। अग्नि से संबंधित कोई भी कार्य है तो आप कृतिका नक्षत्र के अंतर्गत उसको कर सकते हैं। जैसे ईंट से संबंधित व्यवसाय है, ईंट में जो अग्नि वगैरह भट्ठा जैसे प्रारंभ करते हैं, जो लोग ईंट से संबंधित व्यवसाय करते हैं या करना चाहते हैं, अगर कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आप इससे संबंधित व्यवसाय कीजिए। आप होटल बनाना चाहते हैं, कृतिका नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, इस प्रोफेशन के से संबंधित आपका कार्य लाभप्रद होगा। उसके साथ यदि आप सेना इत्यादि के क्षेत्र में, ऐसे आपका विचार है कि मुझे आर्मी इत्यादि ज्वाइन करना है, सेना के क्षेत्र में जाना है या पुलिस विभाग को मुझे ज्वाइन करना है, आपका कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, उस पर आपको जरूर फोकस करना चाहिए। फसल की कटाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फसल इत्यादि बोते हैं, कृषि संबंधित कार्य करते हैं या चाय का बागान इत्यादि है, तो फसल की कटाई, फसल की बुआई दोनों चीज़ें कृतिका नक्षत्र के अंतर्गत प्रारंभ करने से लाभप्रद होता है। कुछ लोग बीज से संबंधित जो बीज है, जो बिया इत्यादि है, उसका कार्य करते हैं, खाद इत्यादि का जो बिजनेस करते हैं, कृतिका नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो ये कार्य भी आपके लिए लाभप्रद है। तो ये कृतिका नक्षत्र की जानकारी थी। यदि और भी कोई जानकारी आपको प्राप्त करना है, आपके लिए जो आपका प्रोफेशन है वो कृतिका नक्षत्र का स्वभाव कैसा है, इसको लेकर के हमने बहुत पहले वीडियो डाल दिया था, लेकिन आज हमने आपको कौन सा व्यवसाय करना चाहिए उसकी जानकारी प्रदान की है। यदि और कोई विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं, अपने विषय में पूरी जानकारी विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। कोई पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि भी अगर करवाना होता है तो आप हमारे माध्यम से करा सकते हैं। जय श्री राम। श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें।